खबरदार, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग की तलाश क्यों? और ज्ञानवापी का इतिहास था जिसे बदला नहीं जा सकता, ऐसा आरएसएस के प्रमुख ने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि अब कोई और आंदोलन नहीं होगा राम मंदिर की तरह, बल्कि व्यक्ति का निर्माण पर तवज्जो दी जाए। और उसके दो दिन, ये बयान आने के दो दिन बाद ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ समझ रहे हैं आप? आप नहीं समझे, मैं समझाता हूं। देखिए, कोई ये कहता है कि देखो आरएसएस ने ना सत्ता तक लाने के लिए इतने आंदोलन कर दिए हैं, अब वो चाहता है कि कुछ दिनों तक वो सत्ता की रोटी खा के ठंडा पानी पिए। और कोई कहता है कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है कि 2024 का इलेक्शन होने वाला है, वो उसी स्ट्रेटजी को लेकर के ये बयान है। अब तेल की दरकरार रहेगी भैया, और विश्व स्तर पर समस्याओं में अपने को अगर सपोर्ट लेने की बात आती है तो ये भजन और अजान की टाइप्स अगर इंटरनल इशू रहे तो पता चले कि शेख साहब से हमें इंपॉर्टेंस ना मिले, फिर समस्या हो जाएगी और चुनाव हार जाएंगे। बमुश्किल 1.5 साल रह गए हैं तो 2024 में ऐसे में छोटे मोटे बलिदान तो बन जाते हैं। तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि देखो भाई, एक जो तीर है ना उससे कई निशाने हैं जो बीजेपी साध रही है, आरएसएस सधवा रहा है। दो बातें जो कॉमनली सब जानते हैं, लेकिन तीसरी बात एक्चुअल बात होगी वो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये बोल रहे हैं लोग कि बाहरी ताकतों को बेवजह किसी छोटे मोटे मोहरे की बलि दे दो। कुछ लेफ्ट, कुछ मिडिल, जो ढुल्लम ढुल्ले वाले जो लोग होते हैं ना, उनको बताओ, उन हिंदुओं को बताओ कि हम इतने कट्टर नहीं हैं जितने हमें बताया जाता है, बदनाम हो रहे हैं। कुछ तो इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, कुछ तो ये कह रहे हैं कि मध्य एशिया में कई दुकानों ने भारत में बने सामान को हटा दिया था। नुपुर शर्मा के बयान के बाद राजनयिक चैनल्स के जरिए भारत को की जो है शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद बीजेपी ने कड़ी कार्रवाई की और राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पार्टी से सस्पेंड किया गया, और दिल्ली के जो मीडिया प्रमुख हैं नवीन कुमार जिंदल, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब नतीजा यह होता है कि बीजेपी को जिहादियों के सामने घुटने टेकने जैसे आरोप लगा दिए जाते हैं। ये तो कई सारे कॉमेंट आपने पढ़े होंगे ना सोशल मीडिया पर, इस भाषा स्तर को आपने देखा होगा। कई लोगों का ये मानना है कि संघ और बीजेपी पहले से ही इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। किस बात से? कि हिंदुत्व का एजेंडा बेफिजूल की बातों में ज्यादा उछलता जा रहा है। अभी संघ के 100 साल भी पूरे होने वाले हैं, कौन से सन में होंगे ये बताइए आप मुझे, जिसे लेकर के अलग से तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में अगर देश में सुबह शाम मस्जिदों के नीचे मंदिर अवशेष देखने का काम चलता रहेगा तो स्थिति का संगठन के हाथ से निकल जाना लाजमी है। यही कारण है लोग थोड़ा सा गुस्सा तो होंगे, यही कारण है कि ऐसा फैसला बीजेपी और संघ ने कई साल बाद लिया है, जो कैडर को पसंद नहीं आ रहा। चौरी चौरा का एक्सट्रीम तक पहुंच गया था मामला, लेकिन महात्मा गांधी जी ने पीछे बैक स्टेप कर लिया था, लेकिन बाद में सफल हो गए। उस समय तो सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था, नहीं क्या क्या पागल पागल कहा था बहुत सारे लोगों ने। वही कुछ है, कहा जा रहा है कि संघ के नेतृत्व की तरफ से बीजेपी के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा कड़वी दवाई हो, लेकिन बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी ये साबित होने जा रही है। एक्चुअल वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, नेशनल मामले पे तो ठीक है, अब इंटरनेशनल मामले पे चलते हैं। भागवत और भाजपा का हृदय परिवर्तन हो गया, या फिर ये अमेरिका का दबाव आपको ज़्यादा नहीं लगता, या दबाव ज़्यादा है? 4 दिन पहले एक खबर आई थी, रिपोर्ट आई थी, अमेरिकी विदेश मंत्रालय का एक रिपोर्ट आती है, हवाला दिया जाता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि रिलीजियस फ्रीडम पर अमेरिकी विदेश विभाग की सालाना रिपोर्ट आई है। उसमें आरोप लगाया गया है कि भारत में अल्पसंख्यक, यानी कि अल्पसंख्यक समझ रहे हो आप, पर हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूं तो मौजूदा सरकार पर हमेशा से अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न करने का आरोप लगातार लगाया जाता है। सोशल मीडिया पे वीडियोस आज भी वायरल हैं, अब भी खोल के देखो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद से ना दुनिया भर में इसकी चर्चा और ज्यादा तेज हो जाती है, थोड़ा दबाव पे तो भारत आता है। इसी दौरान टीवी डिबेट में भाजपा प्रवक्ता की बातों पर मुस्लिम समुदाय ने आंदोलन शुरू कर दिया, नुपुर शर्मा वाली बात पर। सोशल मीडिया के जरिए नुपुर पर लगे आरोप दुनिया के कई इस्लामिक देशों तक पहुंच गए हैं। OIC 57 कंट्रीज हैं, उनके बयान अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे बयान आए हैं। चूंकि नुपुर सत्ताधारी भाजपा की प्रवक्ता हैं, इसीलिए सरकार की किरकिरी ज्यादा हो रही है, सरकार पर विदेशी दबाव दबदबा बढ़ने लगा है। ऐसी स्थिति में भाजपा को ये फैसला लेना पड़ा था। इससे पूरी दुनिया को संदेश जाएगा कि सत्ताधारी भाजपा ना सभी धर्मों का सम्मान करती है। ऐसा नहीं कि अगर वो हिंदुत्ववादी छवि उसकी बनी हुई है, सिर्फ हिंदू का सम्मान करेगी और बाकी के जो धर्म है उनको दरकिनार कर देगी, ऐसा भाजपा नहीं करेगी। इस तरह के जब निर्णय लिए जाते हैं तो नेशनल, इंटरनेशनल और सारी चीज़ देखनी पड़ती हैं।
तो इनमें से तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, सबसे ज़्यादा लॉजिकल आपको कौन सा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि और लोग भी आपके परसेप्शन को देख करके खुद के परसेप्शन को भी क्रिएट करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो को तीन व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।